नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। वाहन ने मारी टक्कर, बच्चे की हुई मौत। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोकड़ा के पुल के समीप अज्ञात वाहन के धक्के से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का शव पुल के नीचे नदी किनारे पड़ा मिला। बच्चे की पहचान जगदीशपुर के ओम प्रकाश पासवान के बेटे शुभम कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने विरोध में भागलपुर हंसडीहा सड़क मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पाकर जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी के समझाने के बाद जाम हटाया गया। मौके पर मुखिया के द्वारा 3,000, पंचायत समिति सदस्य 2,000 और थाना प्रभारी द्वारा 4,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई। शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। भारी संख्या में धराया विदेशी शराब। भागलपुर के जगदीश थाना के अंतर्गत बाईपास टीओपी जगदीशपुर चेक पोस्ट पर डीएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर सघन वाहन चेकिंग अभियान पर एक ऑटो से 6 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बाईपास पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी डीएसपी को गुप्त सूचना मिली कि जगदीशपुर की ओर से शराब लाया जा रहा है। बाईपास पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया। जगदीशपुर की ओर से आ रहे ऑटो को रोका तो ड्राइवर समेत 2 तस्कर भागने लगे, तभी पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। ऑटो तलाशी में पेटी में विदेशी शराब मिली। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भागलपुर विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के पार्वती नया टोला निवासी चालक सियाराम पासवान के बेटे दीपाली कुमार, दूसरा बैकुंठ मंडल के पुत्र सहदेव कुमार व पुतुल दास के पुत्र वीरू दास के रूप में हुई है। इधर पुलिस तीनों को हिरासत में ले चुकी है और ऑटो को भी थाने में जब्त कर लिया है। कार्यभार संभालते ही एक्शन के मूड में दिखे बाबूराम। लूट कांड भय दिखाकर अपने आप को पुलिस बताकर लूट कांड के कई अपराधियों को एक साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसे लेकर भागलपुर जिला पुलिस अधीक्षक राम बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।